ये गोपाल भाट, ये है गोपाल भाट। अब कहानी मनहोस के। सचमुच गोपाल, मैं तुम्हें जितना ही देखता हूँ उतना ही आश्चर्य होता हूँ। क्यों महाराज, आश्चर्य क्यों हो जाते हैं? मैं कोई महल हूँ या अजूबा कि न कोई समाधि? मतलब मैं कोई शिल्पकार हूँ क्या जिसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं? सचमुच गोपाल, तुम बड़े दो मुहे हो। सच बात यह है कि स्पष्ट बात कहने से आदमी दो मुआ हो जाता है, समझे? देखो गोपाल, मुंह संभाल करके बात करोगे। आँख मत दिखाना, बिल्कुल आँख मत दिखाना। आहा, फिर से शुरू हो गए तुम लोग। झगड़ा तो वही शुरू किया पहले। मैं शुरू किया न क्या, पहले तो तुम शुरू हुए। आहा, कहाँ चैत वैशाख के महीने में हवा का आनंद लेंगे और यह आपस में दो कहानियाँ कहते, कचर मचर मचर कचर काले हाथी जैसे शुरू हो गए हैं। क्या करें, सचमुच तुम लोग भी ना। तो हाँ, क्या बोलना चाहता था मैं? वही महाराज, आश्चर्य होने वाली बात। सचमुच इतनी बुद्धि कहाँ से पा गए गोपाल तुम? जानने की खूब इच्छा है। बहुत लंबी कहानी है, बोलने में समय लगेगा। समय लगे फिर भी मैं सुनूंगा। अबू चंद्र, क्या बोलते हो? जरूर जरूर महाराज, गोपाल की बुद्धि पाने की बात मैं जरूर सुनना चाहूँगा। गोपाल शुरू करो, शुरू करो। ठीक है तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, मैं तब छोटा था, विद्यालय में पढ़ने लिखने जाता था। क्या पढ़े बोलो तो? काकस्य परवेदना किसे कहते हैं बताओ तो? मास्टर जी ये मुझे काकस्य परवेदना बताओ। मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली सांस पूछ लेती है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। खड़े हो जाओ। अरे रोहन, गोपाल नहीं आया? स्कूल के बहाने कहीं गया न क्या? हाँ मास्टर जी, आना तो दूर की बात है, दो दिन उसे दिखा ही नहीं। हाँ मास्टर जी। क्या बोल रहे हो आ? उसके घर कोई बीमार पड़ गया न क्या? नहीं, छुट्टी के बाद गोपाल के घर जाना पड़ेगा। मास्टर जी आज थोड़ा जल्दी छुट्टी देंगे। क्यों? आज ना रावणगढ़ में रामलीला चल रहा है, देखने जाऊंगा। ठीक है, आज जा रहे हो जाओ, लेकिन सावधान, कल कोई अगर अनुपस्थित रहा या पाठ याद नहीं किए तब तुम लोगों के सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति है। हाँ हाँ मास्टर जी, कल हम जरूर पढ़ा याद करके पाठशाला आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है अब जाओ। नहीं, मैं भी चलूं गोपाल का पता लगाने। मैं रावण हूँ, त्रिलोक मेरे नाम से कांपता है। तुम एक सामान्य स्त्री हो, ज्यादा इधर उधर करोगी तो लंका उठा कर ले जाऊंगा। तुम क्या मेरे ससुर हो जो तुम मुझे लंका उठा कर ले जाओगे? अरे वह तो गोपाल लगता है, विद्यालय छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है, जाकर देखूँ तो? मुझे तुम्हारा पति मारेगा। उसके आगे ही मैं उसे मार डालूंगा। छोड़ छोड़ छोड़, मेरा कान दुख रहा है, छोड़ छोड़। दुख रहा है अभी दुख रहा है। बोलो, तीन दिन कहाँ थे, विद्यालय क्यों नहीं गया? सच सच बताओ, नहीं तो डंडा डंडा मार कर तुम्हारा चमड़ा उधेड़ दूं। बोलता। विगत परसों तो शुक्रवार था, पंजिका में लिखा था शुक्रवार को आंधी तूफान बरसात भूकंप ये सब आने वाले हैं गुरुजी। घर से कोई बुलाकर के मारे मैं विद्यालय नहीं गया। अच्छा, कल क्या हुआ था? पड़ोस की चाची मर गई थी, पिताजी बोले
चाची तुम्हें अपना बच्चा मानती थी, आज विद्यालय मर जाओ। उसके आत्मा की शांति के लिए ही हम लोग शोक पालन किए थे। ओ, समझ गया समझ गया। और आज क्या हुआ? कल रात में भगवान श्री रामचंद्र दर्शन देकर तुम्हें यहाँ रावण बंद देखने के लिए बोले, इसलिए विद्यालय नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब? चुप शैतान, तुम्हारी शैतानी मैं नहीं समझता हूँ। और इसी छाता से पीट पीट कर, अरे बाप रे, जिधर भी देखता हूँ चारों ओर नरमुंड दिखाई दे रहा है, सब मोती जैसे सफेद। ऐसा लगता है चारों ओर संगमरमर की गोलियाँ बिखरी हैं। उन्हें देखकर शरीर के रोए खड़े हो जा रहे हैं। उसके बावजूद भी बहादुरी के साथ आगे बढ़ते जाऊंगा। अजीब दृश्य है, अस्पष्ट नहीं, धुंधला धुंधला सा। कोई हाथ हिलाकर मुझे बुला रहा है, ऐसा ही लगता है। आओ, थोड़ा पास आओ, और पास आओ, और पास आओ, आओ आओ, और पास आओ। नरमुंडो के जाने के बाद मैं चुपचाप खड़ा हो गया और उसी समय सुनाई दिया ओम ध्वनि। लग रहा है वह ध्वनि बहुत दूर से आ रही है। नहीं, इस बात का पता लगाना होगा। वैसे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। उस ध्वनि की आवाज़ सुनकर मैं ध्वनि का पता लगाने के लिए उसी ओर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद देखता हूँ एक विचित्र घटना। एक सन्यासी चिता के ऊपर ध्यान मग्न था। उसे चारों ओर से घेर कर कंकाल नृत्य कर रहे थे। फिर भी मैं निर्भय होकर साधु की ओर बढ़ता गया। अचानक साधु की आंखें खुली। उसकी दोनों आंखें अग्नि कुंड के समान लग रही थी। धीरे धीरे उसके आंखों की ज्वाला शांत हो गई। हसमुख शरीर वाला सन्यासी दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति झलक रही थी। उसके चेहरे और आंखों पर बम काली, ए नरकंकाल, मेरी बात ध्यान से सुनो, दूर रहो दूर रहो, उसे आने के लिए मार्ग दो, आओ आओ, बस आओ आओ गोपाल, आओ पास आओ। प्रणाम साधु महाराज। अरे तुम तो बहुत साहसी हो बेटे। मेरे पास डरने वाली बात बहुत कम है साधु महाराज। बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी दृढ़ता और साहसिकता का पुरस्कार देना चाहता हूँ। आओ आओ मेरे पास आओ, आओ। जी हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। वत्स, मंत्र तुम्हें अच्छी तरह याद है तो? जी हाँ साधु महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलना शुरू करूं? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, भूल कर भी नहीं। अपने इष्ट देव को मन ही मन याद करके
जीवन में केवल एक बार ही इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, दोबारा नहीं। पहली बार उच्चारण करने से क्या होगा महाराज? पहली बार उच्चारण करते ही यह मंत्र अपना काम शुरू कर देगी। कार्य समाप्त होते ही यह मंत्र तुम्हें छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएगी। वत्स, इस मंत्र के उच्चारण से तुम्हारे इच्छित देव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इस मंत्र का उच्चारण तुम दोबारा नहीं कर सकते हो। भम काश। नेपाल, अंदर ही चलो, देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए पंडित जी, चलिए। अरे गोपाल, 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 अरे गोपाल, गोपाल, बदमाश गोपाल, कहाँ है गोपाल, कहाँ छुप कर बैठा है गोपाल, हाँ, अरे गोपाल, अरे गोपाल, कहाँ है तू, अरे गोपाल। नेपाल चाचा, हुआ है आपका बेटा गोपाल। अरे 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 अरे, वो तो गोपाल, वही गोपाल, वाह वाह, वहाँ है गोपाल, वो देखो गोपाल है। अपनी आंख दिखाओ तो, लगता है गैस है। कुछ दिनों तक डाब का पानी, निरामिष बिन मसाले वाले भोजन इनको खिलाना पड़ेगा। नेपाल, बोलिए कविराज। गोपाल की हालत शाम को जरूर बताना। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। नेपाल, कविराज महाशय कुछ भी कहें, लेकिन तुम एक बार मेरे पिताजी को जरूर बुलाना। नेपाल, कविराज महाशय कुछ। हाँ हाँ, वो पंडित जी ठीक ही बोल रहे हैं। कुछ भी हो जाए, पहले तो वो शमशान ही था ना। और उस ऊंचे टीले पर बैठकर चांद बाबा साधना करते थे। ठीक है, जब हम लोगों के साथ साथ पंडित महाराज जी भी कह रहे हैं तो चलो, मैं जाकर साधु बाबा को ले आऊं। चल रे रोहन। मैं भी एक पैर पे तैयार हूँ। क्यों चाचा? ओम ह्रीं ब्रीं क्रीं ब्रीं स्वाहा। ओम अग्निदेव स्वाहा। ओम चमुंडाए स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। हाँ महाशय लोग, भूत के लक्षण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कोई दिव्य ज्योति घर के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्या बोल रहे हैं तांत्रिक जी? पवित्र ज्योति? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे? यह तांत्रिक ओझा कभी झूठ नहीं बोलता। रात में कल क्या घटना घटी थी क्या आप लोग जानते हैं? इस घटना का पता लगाना है। तांत्रिक जी, जो हुआ है मेरे बेटे के साथ वो, हाँ, क्या हुआ है क्या नहीं, वो तो मेरा बेटा ही बता सकता है साफ साफ। तांत्रिक जी, कहाँ है वह? सोया हुआ है। क्या ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है ना, इसीलिए सोया हुआ है। ठीक है, तुम मुझे वही ले चलो। चलिए 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 बाबा जी। ओ गोपाल, उठो उठो, बाबा जी को प्रणाम कीजिए। रहने दो रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं। गोपाल, कल क्या हुआ था बताओ तो। दोपहर के समय मैं शिव मंदिर के सामने खड़ा था।
मंत्र, देव सम्मोहनी मंत्र। अरे तुम तो धन्य हो गए गोपाल, अरे धन्य हो गए। चांद बाबा के आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हें देव सम्मोहन मंत्र मिला, तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हो गोपाल। तभी तो मैं सोचता हूँ यह पवित्र दिव्य ज्योति कहाँ से आई। तो अब मैं चलता हूँ गोपाल। आपका दक्षिणा? नहीं नहीं नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं उस टीले के पास जाकर चांद बाबा की समाधि पर बैठकर साधना करूँगा, जिससे चांद बाबा का थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे भी मिल जाए। तो अब मैं चल रहा हूँ। सब कुछ तो समझ गया गोपाल, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई बुद्धि नहीं दिखती है। अब होगी असली कहानी, अर्थात मुझे किस प्रकार बुद्धि मिली। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए। मैं नियमित विद्यालय जाता हूँ, मन से पढ़ाई लिखाई करता हूँ। गांव में मैं सबके लिए सुबोध बालक बन गया हूँ, और इसी के साथ साथ चांद बाबा का दिया हुआ मंत्र भी भूलते जा रहा। वर्षा समाप्त हो गई, बादल छट गए और आकाश नीला हो गया, और आ गया माँ के पूजा का समय। और उसी समय दोपहर में मैं विद्यालय से घर वापस आ रहा था, और आते हुए देखा एक व्यक्ति तस्वीर दिखा दिखा कर गाना गा रहा था। गाने का विषय था महिषासुर वध। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमो नमः। तस्वीर में ब्रह्मा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। मैं सोचने लगा यदि एक मनुष्य के चार हाथ चार सिर हो तो उनका असली रूप कैसा होगा। मैं सीधे दौड़े दौड़े नदी के किनारे पहुंच गया। कोई नहीं है, बिल्कुल निर्जन है। चलो अब मंत्र पाठ करूं। ओम ह्रीं देवताये नमः, ओम विश्व परिपानायते नमः, ओम ब्रह्मा देवताये नमः, ओम मंत्रो रोज बंधनाये नमः, ओम देवताये नमः। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव। वत्स, ब्रह्मा विष्णु देवाधिदेव महादेव आदि देवताओं को छोड़कर अन्य समस्त देवताओं का भी इस मंत्र द्वारा आह्वान कर सकते हो। ठीक है साधु महाराज, तो अभी मैं किसका आह्वान करूं? आश्विन का महीना है, दुर्गा पूजा का समय है। ठीक है, चतुर्मुख ब्रह्मा को नहीं देख सकता, लेकिन दस भुजाओं वाली माँ दुर्गा तो देख सकता हूँ। वही ठीक है। ओम ह्रीं देवताय नमः, ओम विश्व परिपानायते नमः, ओम दुर्गा देवियोय नमः, ओम मंत्र रोज बंधनाय नमः, ओम देवताय नमः। बोल पुत्र, किस लिए मुझे बुलाया है? माँ, एक साथ दस हाथ वाले मनुष्य मैंने नहीं देखा, इसलिए सोचा एक बार आपका दर्शन करूं, इसीलिए आह्वान किया। कि मुझे बुलाया है, बिना वर दिए मैं तो जा नहीं सकती। क्या वरदान दोगी माँ? अमरत्व। फिर वो नहीं दे सकती, क्योंकि मनुष्य होकर जन्म लिए हो तो मरना तो पड़ेगा ही। मगर हाँ, एक वर दे सकती हूँ। मेरे हाथ में है मधु, इस मधु को पान करने से तू बहुत ही ज्ञानी हो जाएगा। और इस हाथ में है मेरे दूध, इस दूध को पान करने से अर्थ प्राप्त करोगे। अब तुम सोचो, दूध पीना है या मधु, तू कौन सा पिएगा? माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, दूध या मधु कोई नहीं देखा, इसलिए दोनों को ही एक साथ देखना चाहता हूँ। ले फिर। लेकिन माँ, दोनों को एक साथ देखूंगा तो इससे इनके गुण नष्ट तो नहीं हो जाएंगे ना? ना। ठीक ठीक है माँ। सचमुच अमृत है माँ,
क्या किया तू? ये क्या किया गोपाल? क्यों माँ, भूल तो कुछ नहीं हुई? सोच के देखो माँ, ज्ञान के बिना अर्थ और अर्थ के बिना ज्ञान दोनों पूर्ण रूप से असंपूर्ण है, इसलिए इन्हें मैं संपूर्ण रूप में ग्रहण किया। तू तो अपना अर्थ तोड़ दिया। कैसे माँ? को एक साथ देखूंगा बोला था। हाँ माँ, यह तो मैं बोला ही था, आँख से देखूंगा या चक्कर देखूंगा, यह तो नहीं बोला था ना माँ, इसलिए मैंने अपनी शर्त नहीं तोड़ी। अति उत्तम, तू बहुत ही बुद्धिमान है। मैं तो बहुत ही संतुष्ट हूँ गोपाल, मैं तुझे वर देती हूँ, तू बुद्धि सद्बुद्धि से अपना नाम रोशन करेगा, इतिहास में तेरा नाम जाना जाएगा। इसके बाद से ही हम लोगों का गोपाल बहुत बड़ा ही बुद्धिमान हो गया है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो महाराज के पास से हीरे जवाहरात सोने चांदी अशर्फियाँ आदि पा रहे हो गोपाल। वह भी ठीक है। अच्छा, और एक प्रश्न करता हूँ। करो। चांद बाबा के कथनानुसार मंत्रोच्चारण के बाद तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन याद किस प्रकार से है? वही माँ का दिया हुआ वरदान है, वही दिमागी शक्ति। मंत्र भी तो निश्चय ही याद होगी। है कुछ कुछ, बहुत ही कठिन संस्कृत के शब्द हैं, इसीलिए। तुम्हें याद तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इतिहास में अवश्य ही नाम करोगे, लेकिन एक धोखेबाज और मिथ्यावादी के रूप में। ठीक है, मैं चलूं। आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शहर में एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है। उन किडनैपरों का ये शर्त है कि जल्द से जल्द मंगल पांडे को जेल से रिहा कर दिया जाए, वरना वो लोग उस स्कूल बस को बम से उड़ा देंगे। अरे यार, ये तो बहुत डेंजर हादसा है। अरे हाँ टप्पू, लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम भी तो ठीक बोल रहे हो, चल कर पहले घटना को देखते हैं। हाँ तो चलो चल कर उसको देखते हैं। अरे वो देख देख, मंगल पांडे, पुलिस उसको पकड़ कर कहाँ ले जा रहा है, देखो तो। हाँ चलो उससे चलकर पूछते हैं हम लोग। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, ये मंगल पांडे को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम लोग खबर नहीं सुने हो क्या? एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है मंगल पांडे को आजाद करने के लिए। हाँ हाँ हम लोग खबर देखे हैं। स्कूल बस को छुड़ाने के लिए ऊपर से आदेश आया है कि मंगल पांडे को आजाद कर दिया जाए, और इसीलिए मंगल पांडे को लेके जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए। लेकिन कोई मुसीबत अगर आ गया तो क्या करोगे टप्पू? कुछ नहीं होगा गब्बू, जल्दी से वो चीज लेकर आ। अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। ये देख, मैं ले आया। वाह बहुत अच्छा किया, चलो चलो हमारे साथ, अब उनको चलकर हम लोग सबक सिखाएंगे। चलो चल। ठीक है, तब चलो चलते हैं। ये देखो, मैं मंगल पांडे को ले आया। ठीक है, आप हमारे सरदार को छोड़ दो। हाँ हाँ हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर तुम लोग दूर उस पेड़ के पास चले जाओ। हाँ ठीक है बच्चों, अभी तुम लोग जाओ, बच्चों को छोड़ दे, अभी हमारा सरदार को छोड़ो। हाँ ठीक है, तो ये लो। एक हाँ, ये तो हमारा सरदार नहीं है, ये तो खेतों का पुतला है। तुम लोग बंदूक कैसे चलाओगे,
तुम लोग का बंदूक तो टेढ़ा हो चुका है। ये क्या हो गया? हाँ बंदूक कैसे चलेगा? हाँ कैसे? ये क्या, गोली चलाने से खुद अपना लग जाएगा। हैंड्स ऑफ, चला के करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग सिलेंडर कर देते हैं। नगर का राजा महाबली था एक सच्चा वीर व्यक्ति। उसकी एक छोटी बेटी थी जानकी, वो अब बड़ी हो चुकी है। महाराज, देखते देखते जानकी बड़ी हो चुकी है, अब उसका विवाह का तैयारी कीजिए महाराज। युवराज आप क्या कहते हैं? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम अलग तरीके से अपने बहन का विवाह करना चाहते हैं। महामंत्री आप क्या कहते हैं? जो आप लोगों को अच्छा लगे महाराज। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। अगले पूर्णिमा के दिन आप राजकुमारी की स्वयंवर आयोजन कीजिए और ये समाचार पास के सभी राज्य में दूत के जरिए भेज दीजिए। जो क्या महाराज? राजा के कहने के अनुसार सभी राज्य में दूत के जरिए स्वयंवर का समाचार भेज दिया गया। सभी राज्य से राजकुमार आने लगे, स्वयंवर की तैयारी होने लगी और ये समाचार बीन पर्वत पर भी पहुंच गई एक दानव के पास। ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट, पर्वत सर्वजनमेवासा मानवसा स्वाहा। आप इस प्रभु, मैं इस पृथ्वी के सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। बताओ उस सुंदरी का नाम क्या है, कहाँ वो मुझे मिलेगी? पृथ्वी की श्रेष्ठ सुंदर कन्या है जानकी, वो तारा नगर के राज्य की राजकुमारी है और अगले पूर्णिमा को स्वयंवर है, उससे पहले आपको उसका हरण करना होगा। राजकन्या से स्वयंवर करने के लिए देश विदेश से राजकुमार आए। में से एक राजकुमार बहुत बुद्धिमान था। वो राजकुमार राजकुमारी से पूछने लगे, राजकुमारी मेरे पास एक विशेष रथ है, उस रथ पे आप चढ़कर आप पूरी दुनिया घूम सकती है। राजकुमारी, सच में विश्वास नहीं होता। चलिए आपको मैं अपने रथ पे बिठा के पूरा दुनिया घुमाता हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर। राजकुमारी मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूँ। कौन सा ज्ञान? मैं एक साधना से दूर के चीजों को ढूंढ सकता हूँ। एक और युवराज आए, वो तीरबाजी में वीर थे। वो छोटी सी चींटी को लेकर दानव तक को भी मार सकते हैं। आ गया स्वयंवर का दिन, लेकिन उस दिन एक घटना घटी। राजकुमारी मिली है, मैं उससे विवाह करूंगा। ये क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? अब चिंता मत कीजिए महाराज, मैं देखता हूँ राजकुमारी कहाँ है। ओ।
महाराज राजकुमारी को दानव बिन पर्वत की गुफा में कैद करके रखा है। लेकिन उतना दूर कैसे जाएंगे? महाराज मेरे पास ऐसा एक दिव्य रथ है जिससे आप इसी वक्त पहुंच सकते हैं। महाराज ठीक है चलो तो फिर। वो रही महाराज राजकुमारी। लेकिन वो खतरनाक दानव वहीं पे पहरा दे रहा है। उसके बाद राजा राजकुमारी को और तीनों राजकुमार को साथ में लेकर रथ में बैठकर वापस चले गए। तो बोलिए महाराज, तीनों राजकुमारों में से विवाह लायक कौन था? जो तीर मर के दानव का वध किया था वही विवाह के लायक था। और दोनों राजकुमारों ने राजकुमारी तक पहुंच सकते थे लेकिन दानव से बच नहीं सकते थे, इसलिए तीर वीर वाले नहीं होते तो राजकुमारी नहीं बच सकती। गुरु बहुत दिनों से मछली नहीं पकड़ी है। कांटे ने तो रोना धोना शुरू कर दिया है गुरु। ठीक है पहले इस बाटलू को संभाल लेता हूँ नहीं तो मछली पकड़ना बंद करवा देगा। जा दो टप का जुगाड़ कर ले। सामान जोर से पटकना उस टीम के डिब्बे के ऊपर, उसके भाव देखना बाटलू का मजा। एक दो तीन। ये क्या हुआ? ये कैसी अद्भुत आवाज है? कौन है रे? देखो तो। पानी का टब यहां किसने रखा? जरूर दोनों बिच्छू का काम है। रुक मजा चखाता हूं। अब जाकर हम कामयाब हुए। कितने टाइम बाद बदला ले पाए हैं हम। पहले इसने हमको पानी में डुबोया था और आज हमने। अब चलो भागे। कांटा ले लो दोनों। लेकिन गुरु बैटल तो हम दोनों को ढूंढने तालाब के किनारे आएगा तब फिर। हाँ हाँ तब क्या करेंगे बता तो। हाँ ठीक कहा, कुछ और तो सोचना ही पड़ेगा। आइडिया, बैटल भैया के यहाँ से आज चिकन की खुशबू आ रही थी। ओह फिर तो मजा आ जाएगा गुरु। चलो 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 दूसरे रास्ते से जाते हैं। चलो चलो बाटुल भैया के घर में इस रस्सी के सहारे खिड़की से घुस जाते हैं। चल चल चल। बेटा गाने में मशगूल है। देखिए कांटा फेंक कर कैसे चिकन रोस्ट खींचता हूं। Yeah.
सॉलिड खाना है क्या रे? बड़े मजे मजे से खा रहा है। चक्रवर्ती जी, आपने किसी लौंडे को इधर उधर से जाते देखा है? कैसे नहीं पहचान पाऊंगा, आप है हमारे मोहल्ले के गर्व। बाटोल भैया कैसे हैं आप? इस बहरे से बात करते हुए लौंडों को ढूंढने में मुझे देरी हो जाएगी। ठीक हो भागता हूँ। भाई बच्चू बिच्छू को आप लोगों ने देखा है? हाँ देखा था, तालाब के किनारे उन दोनों को जाते देखा था मैंने। रुक जाओ, एक दिन तुम्हारा तो एक दिन मेरा। लौंडों को तालाब के किनारे नहीं देखा तो ये लोग गए कहाँ? घर जाके देखता हूँ। क्या जी बाटल भैया, इतनी धूप में कहाँ चल दिए? और कहा, सुबह सुबह इन दोनों लड़कों ने मुझे खूब परेशान किया है, उनको जरा सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए उनको ही ढूंढ रहा हूँ। अरे बा, आप उनको ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके घर में बैठे हैं। मैं तो साफ साफ सुन पा रहा हूँ, वो तो खुश होकर मीट दबा कर खा रहे हैं। मीट है? मेरी हड्डी पुसली चबा के खा गए? खाना बनाने वाले ठाकुर को उल्लू बनाकर मेरी ही लाई हुई मीट खा रहे? जाता हूँ। एकदम ठीक, नाला एक काटा फेंक करके चिकन उठा रहे, सबक सिखाता हूँ। अरे खाओ ना, बाटलू का खाना है लजीज। भाग्यवश लंब करण उसके साथ नहीं है, वरना तो वो तो बता ही देता कि हम दोनों कहाँ है। उसके हाथी जैसे कान यहाँ और किसी के भी नहीं है, लेकिन वहाँ तो बोलना पड़ेगा, क्या कहते हो? मैं भी मछली पकड़ूंगा, पर कांटे से नहीं बल्कि पकड़ से, बल्कि एक साथ दो सर मिले। आओ बेटा, तुम्हें पानी में डुबाया था, इस बार अलग तरह से डुबाऊंगा, और उससे भी सीख नहीं मिली तो अभी नहीं बताऊंगा। पकड़े गए रे, प्लान फिर से फेल हो गया। जापान में एक कृषि रहता था जिसका नाम था जोजो। वो बहुत ही गरीब और भोला भाला बेवकूफ जैसा था। वो दुनिया भर की कोई खबर नहीं रखता था, सिर्फ अपने गांव बूढ़े पुराण का ही खबर रखता था। उसकी एक पत्नी थी, वो बड़ी ही कामी और अच्छी थी। क्या हुआ, क्या कर रही हो? जी, घर की सफाई कर रही थी। सच में तुम बहुत गुणी हो, हमेशा घर साफ करना, खाना बनाना, कोई ना कोई काम हमेशा करती रहती हो, इसीलिए तो घर इतना साफ सुथरा रहता है। तुम बहुत अच्छी हो। बस बस, रहने दीजिए, भूख लगा है, खाना दो। दे रही हूँ।
इधर गांव के रास्ते से झुंड में गुजर रहे थे सपेरे, पूरे दिन थके हारे। वहां से गुजर रहे थे शहर के तरफ, तभी जाने के समय एक वैद्य की लड़की फेंक गई जंगलों में एक आईना। उसी समय जोनी वहां से गुजर रहा था काम करके, तभी ये क्या उस झाड़ी के पास क्या चमक रहा है? देखता हूँ जाके क्या है। कौन है मेरे तरफ देखे ऐसे हंस क्यों रहा है? ये जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे हाँ, ये तो मेरे पिता है। वही आंखें, वही मुंह में, वही चांदी की ताबीज। भगवान शायद तोहफा दिए है, इसे लेकर घर जाता हूँ। क्या जी, आज आने में इतना लेट हो गया? खेतों में थोड़ा काम था। जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। जी अभी ला रही हूँ। इसे कहीं छुपा के रखना होगा, वरना गांव वाले इसे छूके अपवित्र कर देंगे। इसीलिए मैं इसे कहीं छुपा के रखूंगा। लेकिन इसे मैं कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ पे छिपाता हूँ, गद्दे के नीचे, कोई नहीं देख पाएगा। हे जी, वहाँ क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था बिस्तर कितना साफ है। उस दिन की घटना तो घट गई, लेकिन पिताजी की तस्वीर देखने का लोभ तो बढ़ता ही गया दिन पे दिन। काम छोड़ छोड़ कर बीच बीच में आने लगा देखने। एक दिन रोज पता नहीं क्या घर में छिप छिप के देखता है। आज मैं छिप के देखूंगी क्या करता है। नहीं, चारों तरफ सुनसान है, कोई नहीं दिख रहा है। यही मौका है, जा रहा हूँ पिताजी को एक बार देखने। एक बार देख के आता हूँ। आज तुम छुप छुप के क्या करते हो, मैं सारा देखूंगी। नहीं, अब इसको इसके जगह पे रख के काम पे जाता हूँ। देखो जरा वो रोज क्या देखते हैं यहाँ पे। ये कौन है? कितना भयानक सा शक्ल है। नाक मोटा, मुंह गोल गोल, छी छी छी, कितनी गंदी लड़की है। ओहो, तुम रोज रोज इसी लड़की को देखते हो। आने दो, मैं सबक सिखाऊंगी तुम्हें, आने दो। क्या हुआ, मुंह खुला के क्यों सोई हो? कुछ हुआ है क्या? ये लड़की कौन है? मेरे पिताजी की तस्वीर तुझे कैसे मिला? ये आपके पिता है? हाँ। ये तो एक लड़की की तस्वीर है। मेरे पिता की तस्वीर है? नहीं, लड़की की तस्वीर। दोनों के झगड़े के समय गांव का एक आदमी आया उनके घर। सारी बातें सुनकर देखा वो उस आईने को, बोला, तुम लोगों को दिखता नहीं है, इसलिए तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो इनको, ये महान पुरुष है, परमात्मा है। इनके आंखों में एक दिव्य ज्योति है। ये तुम्हारे पिता नहीं है और ना कोई लड़की है, ये एक प्राचीन महापुरुष है। इन्हें ऐसे वैसे नहीं रख सकते हैं। इनको मैं ले जाऊंगा, इन्हें मंदिर में ले जाके स्थापना करना पड़ेगा। इसके बाद की घटना बड़ी ही छोटी है। जोनी और जोजो दोनों ही सारी बातें भूलकर
आराम से खाने पीने बैठ गए। अच्छा तो ये बताइए, एक आईना लेके झगड़ा क्यों था? हाँ, क्योंकि घटना यह था, उस गांव के लोगों के सामने आईना नाम के परिचय ही नहीं था।